सो आज हम करने वाले हैं मैनिक्योर एट होम एंड बिना लेमन को यूज करके। एंड उसका रीजन ये है कि मेरे पास नींबू है नहीं, घर पे नींबू खत्म हो गए थे एंड मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मैं मैनिक्योर करूँ, क्योंकि मेरे साइड में सारे ये स्किन जो है वो डेड स्किन जमा हो चुके हैं एंड हैंड्स काफी ज्यादा ड्राई से एंड डार्क लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैनिक्योर कर लेते हैं। एंड अगर आप भी जानना चाहते हो कि आप कैसे मैनिक्योर कर सकते हो बिना लेमन को यूज करके बिल्कुल इजी वे में एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, लाइक उसको करने के बाद आपके हैंड्स जो है वो फुली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा बेबी सॉफ्ट एंड काफी वाइट एंड सॉफ्ट लगने लगेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी तैयारियां कर ली है एंड साथ ही मेरे पास एक लेमन का बहुत ही जबरदस्त अल्टरनेटिव है जो कि लेमन से 10 गुना ज्यादा बेटर काम करेगा। सो वो भी शेयर करूंगी वीडियो में आगे। बट सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको आपका नेल पेंट रिमूव करना होता है एंड मैंने सभी नेल पेंट को अच्छे से रिमूव कर लिया था। आई डोंट नो ये कैसे रह गया, पता नहीं, बाकी सारे फिंगर्स देख सकते हो। मैंने नेल पेंट रिमूव कर लिया है, इवन मैंने थोड़ा सा ट्रिम भी कर लिया है, जितनी लेंथ मुझे कम करनी थी लाइक हल्का हल्का सा ट्रिम भी कर लिया है। बट आई डोंट नो यार ये कैसे रह गया, ये मुझे दिखाई नहीं। सो फिलहाल इसको भी रिमूव कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक बर्तन, देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाला कटोरा चुना है, इसमें मेरा हाथ जो परफेक्टली फिट आ जाएगा। एंड इसमें आपको अपने हैंड्स को सोक करना होता है एक 5 to 7 मिनट्स के लिए, उतना काफी होता है। एंड उसके लिए चाहिए आपको गरम पानी, तो मैंने गरम पानी भी लेकर रखा हुआ। तो मैं यहाँ इस बर्तन में थोड़ा सा गरम पानी डालूंगी एंड पानी बहुत गर्म है तो मैं इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी डालूंगी, जिससे कि पानी नॉर्मल हो जाए, लाइक हल्का सा गर्म रहे, लाइक जितना आप थोड़ा बर्दाश्त कर सको। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा शावर जेल, लाइक अराउंड 2 स्पून। तो मैं यहाँ पे शावर जेल ऐड कर रही हूँ खूब सारा, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये हमारे हैंड से वो जो जमी हुई गंदगी रहती है उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। सो मैं बेसिकली बस ये दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करती हूँ पानी में एंड देन अपने हैंड्स को सोक कर देंगे इसमें 5 मिनट्स के लिए मिनिमम एंड 10 मिनट्स के लिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं, इससे कि हमारे हैंड्स को अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे एंड सारी जो जमी मैल डेड स्किन जो भी होगा वो अच्छे से निकल जाएगा सॉफ्ट होकर। सो लगभग 5 मिनट के हो चुके हैं एंड अभी बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। उसके लिए इस तरीके का टूल होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, आई थिंक इसको क्यूटिकल पुशर कहते हैं। एंड आपको इस टूल को यूज करना होता है अपने नेल्स के कॉर्नर्स को क्लीन करने के लिए। यहाँ जब भी आप क्लीन करते हो, क्यूटिकल्स को पुश करते हो, तो बहुत सारी डेड स्किन जमा होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मेरे इस अंगूठे पे आपको बहुत सारा डेड स्किन दिख रहा होगा। आई नो ये थोड़ा सा अनोइंग है दिखाना, लाइक आई नो ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे नहीं दिखाना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके नेल्स के ऊपर इतने सारे डेड सेल जमा होते हैं एंड जब भी हम इसको 5 मिनट्स के लिए और लाइक थोड़ी देर के लिए पानी में डालते हैं तो ये सारी चीज़ें जो वो सॉफ्ट हो जाती है एंड ईजिली रिमूव हो जाती हैं। एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी नेल के हेल्थ के लिए। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करते हो तो इससे आपको बाद में कोई नेल रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, नेल की ग्रोथ अच्छी होगी, नेल हेल्दी रहेंगे एंड वो येलो नेल वाली प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। तो बस ऐसा ही करना होता है, तो मैं ऐसा अपने सारे फिंगर्स में कर लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ। सो स्क्रब हम बनाने वाले हैं जिसकी तैयारी मैंने अभी तक नहीं की। उसके लिए आपको चाहिए कटोरी एंड चाहिए कुछ इमली। इमली को आपको लेके गर्म पानी में भिगो देना, गर्म पानी में भिगोगे तो वो जल्दी से नो गल जाएगी एंड आपको इसे रहने देना है। लेकिन ये वाली चीज़ आप स्टार्टिंग में कर दो, बट मुझे आप लोग को दिखानी थी तो मैं शुरू में भूल गई एंड फिर मैं बाकी सारे स्टेप्स में मिस हो गई। तो जब तक मैं मेरे सैंड को क्लीन करूंगी तब तक ये अच्छे से नो भीग जाएगी, इसमें वो गल जाएगी, फिर बताते हो कि इसका क्या करना है। एंड इसको हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रब के लिए एंड आप मेरे नेल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा क्लीन लग रहे हैं एंड इसमें भी कुछ भी नहीं किया, सो डिफरेंस क्लियर है। तो चलो फटाफट से इसको भी क्लीन कर लेते हैं। सो फाइनली नेल्स की सफाई तो हो चुकी है, स्किन को क्लीन करने की बारी है अभी, तो हम करने वाले हैं स्क्रब। एंड स्क्रब के लिए मैंने यहाँ पे इमली को भिगो के रख दिया था, तो अभी मैं इसको अच्छे से मैश कर लूंगी एंड इसका बीज जो है उसको अलग कर दूंगी एंड इसका पल्प चाहिए हमें कुल मिला के मसाज के लिए। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पल्प रेडी है एंड अभी हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ी सी चीनी, जरा सी चीनी ऐड करने वाली हूँ एंड बहुत स्ट्रॉन्ग मन करेगा कि आप इसको खा लो, बट आपको इसको खाना नहीं है,
आपको इसको अप्लाई करना है अपने हैंड्स पे स्क्रब के लिए, एंड ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। आप इस स्क्रब को अपने नेक पे भी यूज कर सकते हो, ये टैनिंग को रिमूव करता है एंड बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। सो सिंपली मैं इस तरीके से लेके एंड इसको बहुत अच्छे से स्क्रब कर लूंगी। एंड आप ऐसा स्क्रब करने के बाद लाइक 2-3 मिनट्स के लिए स्क्रब करो एंड देन ऐसे रहने दो 5 मिनट के लिए लगभग, जिससे कि स्किन पे अच्छे से एज ब्लीच काम करे एंड हमारा स्किन जो है वो क्लीन हो जाए अच्छे से। सो अभी हम कर रहे हैं स्क्रब एंड आराम से स्क्रब करो, अंदर के साइड भी करो जिससे कि हमारी ये वाली स्किन भी क्लीन हो जाए। तो 5 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से स्क्रब कर लिया है स्किन, देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है अंदर से एंड बाहर से दोनों साइड से। तो अभी हम इसको कर लेंगे बहुत ही अच्छे से वॉश एंड फिर अप्लाई करेंगे मास्क एंड शुगर, जो उसमें भी लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आपके स्किन लाइटनिंग के लिए। अपने फिंगर्स को अच्छे से मसाज करो, अपने हैंड्स को अच्छे से मसाज करो एंड उसके बाद वॉश कर लो। चलो मैं जाती हूँ वॉश करने। सो फाइनली हैंड्स को वॉश कर लिया एंड अभी से आप डिफरेंस देख सकते हो, हैंड कितने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं एंड फील और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं। सो ये स्क्रब कमाल का है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। सो अभी बारी आती है मास्क की। सो मास्क आप चाहो तो घर पे बना सकते हो, बट मैं ये डिटेन मास्क यूज़ करने वाली हूँ, ब्यूटीलो का डिटेन मास्क है, क्योंकि बहुत टाइम से पड़ा हुआ है एंड इसको यूज़ करना ज़रूरी है। साथ ही ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहो तो आप राइस फ्लोर एंड टोमेटो जूस वाला मास्क भी अप्लाई कर सकते हो। सो सिंपली मैं ये मास्क अप्लाई कर लूँगी मेरे दोनों हाथों पर एंड वेट करूँगी इसके ड्राई होने का, लाइक 5-10 मिनट्स लगेंगे। सो मैं जनरली कुछ इसी तरीके से मेरा मैनिक्योर एंड पेडिक्योर करती हूँ घर पे जब भी लेबन नहीं होता, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलता है ना, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि घर पे अवेलेबल ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं भी बस जस्ट ऐसे ही कर रही थी, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वीडियो बनाए हुए तो मैं अभी बहुत सारी वीडियोज़ बनाना चाहती हूँ। सो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर देते हैं। एंड ये वाली ईयरिंग मैंने बहुत दिनों के बाद देखी थी, लेकिन मेरी नज़र बहुत दिनों के बाद पड़ी थी जब मैं वो ईयरिंग वाला हॉल शेयर कर रही थी। सो मैंने आज वाली ईयरिंग डाली एंड कुछ भी मेकअप नहीं किया यार, जस्ट ईयरिंग डाला एंड हल्का सा लिप बाम अप्लाई कर लिया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया। सो कुछ इस तरीके से हमारा मैनिक्योर हो रहा है एंड वेट करेंगे हम 5 मिनट के लिए जिससे ये मास्क अच्छे से ड्राई हो जाए। सो हमारा मास्क जो बहुत ही अच्छे से सूख चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो अभी इसको वॉश करेंगे एंड फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। सो फाइनली मास्क भी रिमूव कर दिया एंड हैंड्स कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, सुपर सॉफ्ट एंड सुपर क्लीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे फील हो रहे हैं। आप मेरे नेल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा पिंक एंड क्लीन लग रहे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा रहती थी, उसको क्लीन करना ज़रूरी था। एंड अभी करेंगे मसाज, तो आप किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हो और किसी भी मॉइस्चराइजर से मसाज कर सकते हो, जो भी आपके पास हो, आप जो भी यूज़ करते हो। मैं फिलहाल ये बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो ज़रा सा बॉडी बटर लेंगे, लाइक नॉट सो ज़रा, एंड अपने हैंड्स को अपने नेल्स को बहुत ही अच्छे से मसाज करेंगे। तो ये मैरी क्लेयर का वनीला वाला बॉडी बटर, इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है एंड समर्स के लिए सही है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है एंड यूज़ करने के बाद हाथों को बॉडी को बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कर देती है। सो कुछ इस तरीके से हमारा क्विक मैनिक्योर एट होम कंप्लीट हुआ, हाथों की पूरी रंगत बदल गई, पूरी दशा बदल गई। एंड मैनिक्योर करने के बाद मैं जनरली नेल पेंट्स नेक्स्ट डे अप्लाई करती हूँ, फिलहाल रात हो चुका है तो मैं मेरे नेल्स को आराम दूंगी एंड नेल्स पे, क्योंकि ऑयल है तो पेंट अच्छे से चढ़ेगा भी नहीं। तो मॉर्निंग में अप्लाई करेंगे हम नेल पेंट एंड आज नेल्स को रेस्ट देंगे। ओह माय गॉड, आप मेरे नेल्स देख सकते हो कितने ज़्यादा क्लीन एंड कितने ज़्यादा लाइक पिंक लग रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही क्लीन है इस वजह से, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड ये रियल नेल है, लाइक मैंने कोई पेंट नहीं लगाया, आप देख सकते हो मैं जस्ट मसाज कर रही थी, तो कुछ इस तरीके से है ये। एंड नेल पेंट अप्लाई करेंगे हम कल, आप चाहो तो डेफिनेटली अभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं कल अप्लाई करूँगी। एंड मैं जस्ट मेंशन करने वाली थी तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, बहुत बारी होता है कि घर पे नींबू नहीं होता एंड उस टाइम दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता कि अभी मैनिक्योर कैसे करूँ।
तब कुछ इस तरीके से कर सकते हो एंड इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड साथ ही आगे आप और कैसे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यार दैट्स इट फॉर टुडे, मिलती मैं आपसे बहुत जल्दी अपने एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चैनल पे पहली बार आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।